Hello students, welcome to the next lecture of machine design. In this lecture we will learn about the design of some miscellaneous components just like connecting rod, crankshaft, C-clamp and the crane hook. So let us first learn about the connecting rod. As you know, connecting rod is an integral component of internal combustion engine. It acts as a linkage between piston and crankshaft. And the main function of connecting rod is to transmit the translational motion of the piston to the rotational motion of the crankshaft. जो connecting rod है ये एक IC engine का main component होता है, जिसका काम होता है कि जो आपकी piston है उसको crank से जोड़ता है. किस तरीके से जोड़ता है, इसके अंदर mainly three parts होते हैं. जो इसका extreme corner पे जो दो होल होते हैं, एक होल आपका पिस्टन से कनेक्ट रहता है, दूसरे होल में आप जॉइन करते हो क्रैंक से. सो ये आपका जो मोशन है, जो पिस्टन की कौन सी मोशन होती है, रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटरी मोशन, उसको क्रैंक की रोटेशन मोशन को प्रोवाइड कराता है. दैट मींस यू कैन से इट ट्रांसमिट द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द पिस्टन टू द रोटेशनल मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट. क्रैंक को मिलेगी तभी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी. सो नेक्स्ट इज द मटेरियल्स यूज इन द कनेक्टिंग रॉड. कनेक्टिंग रॉड के लिए मेनली हम मटेरियल यूज करते हैं माइल्ड एंड मीडियम कार्बन स्टील. डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्सेज इस पर एक्ट होंगे. ये इसे मेनली हम फोर्स फोर्जिंग से बनाते हैं. फोर्स कंपोनेंट होता है हमारा ये. सो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो इसका अपर पोर्शन है उसको पिस्टन से कनेक्ट करते हैं. इन बिटवीन इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ रॉड एंड इन द बॉटम साइड इट इज हैविंग अ लार्जर होल विच इज कॉल्ड एज द बिग एंड एंड विच विल बी कनेक्टेड टू द क्रैंक. जो अपर एंड है ये कनेक्ट होता है पिस्टन से, लोअर एंड कनेक्ट होता है क्रैंक से. और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आई क्रॉस सेक्शन होता है इन बिटवीन. सो अनदर लुक इज हेयर. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्मॉलर रॉड है, इसे स्मॉल एंड बुलाते हैं अपर पोर्शन को, लोअर पोर्शन को दैट इज कॉल्ड द बिगर एंड एंड इन बिटवीन इट इज हैविंग आई क्रॉस सेक्शन. वन मोर लुक इज हेयर दैट इज स्मॉल एंड विच विल बी कनेक्टिंग विद द योर पिस्टन एंड द बिग एंड विल बी कनेक्टिंग विद योर क्रैंक. जो स्मॉल एंड है जिसमें होल होता है ये इसको आप पिस्टन से कनेक्ट करते हो, बिग एंड जिसमें अनदर होल है उसको आप कनेक्ट करते हो कनेक्ट आपका क्रैंक से. और जो इन बिटवीन पोर्शन होता है इसे हम सेंक बोलते हैं. सो मेनली इसके तीन पोर्शन हो गए हैं, स्मॉल एंड, बिग एंड एंड द सेंक. नाउ वी विल बी डिजाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ बकलिंग फिनोमेना. बिकॉज जो इसमें फोर्सेस लगते हैं मेनली वो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं और जो इसकी शेप होती है वो जस्ट लाइक कॉलम होती है. दैट मींस इट इज स्लेंडर टाइप ऑफ कंपोनेंट विच इज हैविंग लार्जर लेंथ एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेड्थ. मतलब जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उस टाइप से होती है, जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशंस. तो इसको आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो जैसे आप कॉलम या स्ट्रट को करते हो. वहाँ पर भी कंप्रेसिव फोर्स होते हैं एंड पॉइंट्स पे, लेंथ आपकी एक्स्ट्रा होती है. जैसे हमने वहाँ पे क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड से डिजाइन किया था, इन द सेम वे वी कैन डिजाइन द कनेक्टिंग रॉड. सो द मेन पॉइंट इज हियर दैट द बकलिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड जनरली टेक्स प्लेस इन टू प्लेन्स. फर्स्ट इज द प्लेन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन. जो बकलिंग फिनोमेना कनेक्टिंग रॉड में होगा वो दो प्लेन में होगा मेनली. फर्स्ट होता है जो मोशन वाला प्लेन है, सेकंड परपेंडिकुलर टू द मोशन. नेक्स्ट में देखते हैं जस्ट लाइक दिस. आप अपर डायग्राम में देखिए जो आपका ए पोर्शन है उसमें दिखा रखा है बकलिंग दैट इज इन द प्लेन ऑफ मोशन, सेकंड दैट इज बकलिंग इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द मोशन. जो सी पोर्शन है वो क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है आपका. तो जैसे आपको पता है कि बकलिंग का हम फॉर्मूला यूज करते थे पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर इंटू एन. जो एन होता था वो एंड फिक्सिसिटी कॉफिशेंट था, वो डिपेंड करता था कि एंड कंडीशंस क्या हैं. तो फर्स्ट
पहली कंडीशन में जब हम इसे देखते हैं कि प्लेन ऑफ मोशन में है, तो ये दोनों हिंज, आप इनको कौन सी कंडीशन मानोगे? हिंज। सो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कॉलम्स में कि अगर दोनों साइड हिंज हैं तो एन की वैल्यू 1 होती थी, तो यहाँ पर भी हम 1 लेंगे। एंड इन द सेकंड केस जब ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द मोशन होगा, उस प्लेन में हम इसे फिक्स मानेंगे क्योंकि जॉइंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर मूव नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो दैट इज कनेक्टिंग रॉड इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर अबाउट द वाई एक्सिस एज कम्पेयर टू एक्स एक्स एक्सिस, क्योंकि जैसे ही एन की वैल्यू 4 हुई तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, बकलिंग स्ट्रेंथ है, वो आपकी 4 टाइम्स हो गई, जबकि डिजाइन के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे दोनों इक्वल हो। सो इफ द कनेक्टिंग रॉड इज डिजाइन इन सच ए वे दैट इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग अबाउट बोथ द एक्सिस, तो क्या होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? आई एक्स एक्स शुड बी इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ आई वाई वाई, सो दैट द क्रिपलिंग स्ट्रेंथ विल बी इक्वल। सो इस कंडीशन को हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है, ए के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। सो कंडीशन क्या निकल के आएगी आपकी, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ के एक्स एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन्स द कंडीशन क्या हो गई आपकी, जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वाई एक्सिस के अबाउट, वो उसका जो स्क्वायर है वो 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर के एक्स प्लेन के अबाउट होना चाहिए। नाउ जो क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आई क्रॉस सेक्शन की किस टाइप से निकालोगे? इसमें 3 रेक्टेंगल्स हैं मेनली, जो 2 हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा दैट इज 4t × t, प्लस जो इन बिटवीन रेक्टेंगल इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालोगे आप 5t − 2t × t, तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 11t². नेक्स्ट, फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, तो इट विल बी आफ्टर कैलकुलेटिंग विल बिकम आई एक्स एक्स विल बिकम 3.2 टाइम्स ऑफ आई वाई वाई। नाउ नेक्स्ट इज योर सिस्टमेटिकल डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पिस्टन है उस पर गैस फोर्स लगाती हैं, जो गैसेज होती हैं, हॉट गैसेज होती हैं, जब वो बर्न होती हैं तो पिस्टन को पुश करती हैं, दैट इज द पिस्टन प्रेशर, दैट इज द पी इज द फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द हॉट गैसेज, PS is the force which is provided by the cylinder on the piston, PC is the force on the connecting rod। तो हमें PC निकालना है, तो force resolution से आप निकाल सकते हो in terms of P। So now phi is what? Phi is the angle which the connecting rod makes with the line of stroke, and theta is the angle which the crank makes with the line of stroke। So तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पी फोर्स है वो गैसेस के द्वारा पिस्टन पे लगाया हुआ है, पी एस वो सिलेंडर के द्वारा पिस्टन पे लग रहा है, जो पी सी है वो कनेक्टिंग रॉड पे फोर्स है। सो एक ट्रायंगल डायग्राम से आप इसको शो कर सकते हो इसको। सो पी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर, पी एस इज द साइड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, PC is the force acting on the connecting rod, phi is the angle of inclination of the connecting rod with the line of stroke, theta is the angle of inclination of the crank from the top dead center. Next, by the force resolution you can calculate the value of PC which will become P divided by cos phi. तो हमें पता है कि जो maximum gas जो force लगता है वो dead center से, जो आपका डेड सेंटर है उससे स्लाइटली अवे लगता है, ऑलमोस्ट 3.3 डिग्री पे। तो कॉस 3.3 डिग्री क्या होगी, 0.99। तो जब इसको आप अबोव इक्वेशन में रखोगे तो पी सी इक्वल टू पी बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम फोर्स है जो कनेक्टिंग रॉड पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू द गैस प्रेशर। तो हमें मेनली पिस्टन पर प्रेशर निकालना है, तो मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी उसकी, दैट विल बी बिकम टू द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यू टू द गैस प्रेशर। जितना मैक्सिमम गैस पिस्टन पे फोर्स लगेगा
गैस के द्वारा जो लगाया जाएगा वो ही बराबर रहेगा फोर्स ऑन दी कनेक्टिंग रॉड। सो अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो हमें पता है कि मैक्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन्स द फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया इनटू प्रेशर, दैट एरिया इज पाई बाय फोर डी स्क्वायर। क्योंकि जो ये हमने देखा है वो पिस्टन पे लगे हुए फोर्स के बराबर, और पिस्टन के एरिया क्या है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। आई क्रॉस सेक्शन में हमने ए की वैल्यू निकाली थी 11 टी स्क्वायर, आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने 1.78 टी। हम अगर इसमें रैंकाइन फॉर्मूला यूज करते हैं बकलिंग के लिए, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके टी की वैल्यू निकाल सकते हो, और टी की वैल्यू जैसे निकल जाएगी तो जो भी क्रॉस सेक्शन में वैल्यूज थी, जो भी क्रॉस सेक्शन में वैल्यूज थी, सभी वैल्यूज निकल जाएंगी बिकॉज दे आर इन टर्म्स ऑफ टी। तो बकलिंग रैंकाइन फॉर्मूले से आप टी की वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करोगे तो यू विल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज, ऑल द डायमेंशंस। सो नेक्स्ट इज नाउ द प्रोसीजर। एक प्रोसीजर है, इसे फॉलो करके आप कंप्लीट डिजाइन कर सकते हो कनेक्टिंग रॉड का। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना होगा कि फोर्स कितना लग रहा है कनेक्टिंग रॉड पे। वो हमने देखा था कि वो जितना कि पिस्टन पे गैस लगा रही है मैक्सिमम फोर्स उसके बराबर होगा। सेकेंड, आप बकलिंग लोड निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके, रैंकाइन फॉर्मूला यूज करोगे आप, जहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप सारे डायमेंशंस निकालोगे क्रॉस सेक्शन की विद द हेल्प ऑफ टी। नेक्स्ट द विड्थ बी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, जबकि जो एच है वो वेरी करेगा। सो नेक्स्ट इज अबाउट द क्रैंकशाफ्ट। तो कनेक्टिंग रॉड में आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से डिजाइन करना। डिजाइन का मतलब है इसमें कि डायमेंशंस किस टाइप से निकालोगे आप। पहले आपने फोर्सेस को देखा, फोर्सेस में हमने समझा कि जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर होगी जो पिस्टन पे फोर्स लग रहा है गैस के द्वारा। तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स से उसे हम निकाल सकते हैं। जैसे ही वो वैल्यू निकल जाएगी तो रैंकाइन फॉर्मूला यूज करके आप टी की वैल्यू निकाल लोगे। टी की वैल्यू निकलते ही आप जो भी क्रॉस सेक्शन है उसकी कंप्लीट डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज योर क्रैंकशाफ्ट। एज यू नो क्रैंकशाफ्ट दैट नेम सजेस्ट, क्रैंकशाफ्ट का काम होता है कि जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। पिस्टन में कुछ पार्ट्स होते हैं पिस्टन के, जैसे आप यहाँ देखते हो पिस्टन का जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख रहे हो फ्लाई व्हील से अटैच है, दो बैरिंग से अटैच होते हैं, काउंटर वेट्स होते हैं जिससे कि स्टैटिक एंड डायनेमिकली बैलेंस कर सको आप इसे। क्यों करने पड़ती है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म शेप है। नॉन यूनिफॉर्म शेप होने के कारण जैसे ही ये मोशन में आएगी तो इसमें स्टैटिक एज वाला डायनेमिक अनबैलेंस होगा, उसे काउंटरेक्ट करने के लिए हम काउंटर वेट लगाते हैं टू बैलेंस दी स्टैटिक एंड डायनेमिक। फॉर द स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग वी यूज द काउंटर वेट्स। सो जो आपकी पैरेलल टू द एक्सिस है दैट इज द मेन जनरल बैरिंग्स, और जो आपके असेंट्रिक है दैट इज विच इज असेंट्रिक विच इज कॉल्ड एज द